दोस्तों आज है 17 सितंबर 2019 और 17 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है उसमें क्या है कि आप सभी लोगों ने पेप्सिको कंपनी का नाम सुना होगा, तो ये जो पेप्सिको कंपनी है उसको लेकर क्या बना है कि हाल ही में पेप्सिको कंपनी के स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड जिसका नाम है गेट रोड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमा दास। हीमा दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्पोर्ट्स ड्रिंक का ब्रांड होता है जिसका नाम है गेट रोड, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है, तो हीमा दास आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये रहा गेटरोड का स्पोर्ट्स ड्रिंक, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा स्पोर्ट्स ड्रिंक का पैकेजिंग और साथ ही साथ में उसका लोगो भी, ब्रांड लोगो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसमें साफ साफ लिखा है गेटरोड। इसी तरीके से इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं हीमा दास। तो हीमा दास का भी फोटो हम आपको दिखा देते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं वो ये जो ड्रेस पहना हुआ है वो गेटरोड का पहना हुआ है। पीछे जो लोगो का ये पावर वाला साइन दिख रहा है ये भी गेटरोड का ही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला साइन जो है ये वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साइड में आपको ये फोटो है इसके साथ में साइड में लिखा गेटरोड भी आपको दिख रहा होगा, जिसका मतलब साफ है कि हीमा दास को गेटरोड ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड जिसका नाम है गेटरोड ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पेप्सिको कंपनी का प्रोडक्ट है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हीमा दास बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि फीफा अंडर 17 विमेन विश्व कप 2020 जो है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में जो अंडर 17 विश्व कप होगा ये भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम लोग इसका फोटो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं जिसमें कि देखो साफ साफ लिखा है फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप और ये उसकी ट्रॉफी रही। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसको इंडिया यानी कि भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक फोटो मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा जिसमें कि साफ साफ लिखा ही हुआ है कि फीफा अंडर 17, मेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, विमेंस की बात हो रही है। तो फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2020 जो है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर आप इसका ट्रॉफी भी देख सकते हैं। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। फीफा अंडर 17, अंडर 19 नहीं अंडर 17 की बात हो रही है, विमेंस वर्ल्ड कप होगा और 2020 में जो होगा ये भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक जो होती है जिसको शॉर्टकट में हम लोग SFB के नाम से जानते हैं, इनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करने का एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा कि आरबीआई के अनुसार स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम कितने करोड़ रुपए होने उसके पास में अनिवार्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 करोड़ रुपए इसके पास में होने अनिवार्य हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के लिए लाइसेंस लेना चाहता है तो मिनिमम जो कैपिटल है वो उसके पास में 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। इससे पहले ये जो कैपिटल की लिमिट थी वो मात्र 100 करोड़ रुपए थी, ठीक है, जिसको बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसको कब से लागू किया गया है, तो आरबीआई की तरफ से 13 सितंबर 2019 को इस चीज को लागू कर दिया गया है, ठीक है। कभी आपसे अगर एग्जाम में SFB का फुल फॉर्म में पूछा जाए तो आप आंसर में क्या टिक करोगे, तब आप आंसर में टिक करोगे SFB का मतलब होता है स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। अब आपके मन में सवाल आता है स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक होते कौन है, देखो जो भी कभी बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हमारे जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे कुछ रूरल एरियाज में इतने दूर के एरियाज होते हैं वहाँ पर ऐसी बैंकें नहीं पहुँच पाती हैं, उन जगहों पर छोटा कारोबार करने के लिए आरबीआई की तरफ से स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक को सेटअप किया जाता है। ये छोटे रूप में वहाँ पर काम करते हैं। खास बात ये होती है कि इनका जो 75% जो इनका बिजनेस होता है वो इनको प्रायोरिटी सेक्टर में करना पड़ता है, और हमारा प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, कृषि,
यानी कि इनका जो 75% बिजनेस होगा वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका फर्क होता है। और यूपीएससी और आईबीपीएस में इसके बारे में और भी डिटेल में पूछा जाता है। आईबीपीएस के इंटरव्यू में भी एसएफबी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आप ये शॉर्ट में इसको इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं कुछ बताऊं कि कुछ स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के नाम बताइए, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, दिशा, ठीक है, जनलक्ष्मी, ठीक है, इसी तरीके से आरजीवीएन, उत्कर्ष, ये सभी जो है स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार किसी भारतीय कंपनी के द्वारा समुद्री संचार सेवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरी टाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज, कहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। तो ये जो मैरी टाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज है, इसको मुंबई महाराष्ट्र में शुरुआत कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूँगा रविशंकर जी का, जो कि इस समय क्या है, जिनका इस समय पोस्ट है वो भी आपको बता देता हूँ। रविशंकर प्रसाद, जो कि इस समय भारत के केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने मुंबई में समुद्री संचार सेवा यानी कि मैरी टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, मैरी टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च करते हुए इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख सकते हैं। अब इसमें करना क्या होगा, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक बार नाम इसका अच्छे से देख लेना, मैरी टाइम यानी कि समुद्री कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बनाना सर्विसेस, समुद्री संचार सेवा। इसका साफ मतलब है कि जैसे कि पानी में कोई जहाज जा रहा है या फिर कोई कार्गो है जो कि सामान लेकर जा रहा है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग इंटरनेट का कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डेवलपमेंट किए गए हैं। जैसे कि उस बोट हो गई, कोई भी कार्गो हो गया, उससे आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, आप उसको वीडियो सेंड कर सकते हैं, लाइव डेटा उसको सेंड कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया। इसमें एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसमें कि किसी भी कार्गो के द्वारा भेजे गए जो सिग्नल है वो सबसे पहले एक सैटेलाइट तक पहुँचेगा। उस सैटेलाइट से पहुंचने के बाद में इसको डेटा सेंटर में एक दूसरे सैटेलाइट के द्वारा इसको प्रोसेस किया जाएगा, जिसके बाद में इसको अलग अलग लोकेशन तक पहुंचाया जाएगा जहां से इसकी कमांड इस्टेब्लिश की जा रही है। इसका मतलब है कि पहले हम लोग जमीन पर तो कम्युनिकेशन आसानी से बना ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में अब हम लोग पानी के ऊपर भी, पानी पर भी या समुद्र में भी अच्छे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक बार इसका क्वेश्चन फिर से देख लेना कि हाल ही में भारत में कहाँ पर किसी भी कंपनी के द्वारा पहली बार मैरी टाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसको किया गया है। इस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने वाली कंपनी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नाम हो जाएगा नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जिसको नेल्को के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो जिस टाइम पर ये मुंबई मैरी टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया था, उसी समय पर रविशंकर जी ने एक और अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी चोरी हुए मोबाइल हैं उसको एक पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसके तहत उन सभी मोबाइल्स को ट्रैक किया जाएगा, या तो उनको परमानेंट डिसेबल कर दिया जाएगा सो दैट उसको कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चोरी हुए जो मोबाइल हैं इनको पूरी तरीके से या तो ट्रैक किया जाएगा या तो पूरी तरीके से इनको नष्ट कर दिया जाएगा सो दैट कोई भी इसे इलीगल काम ना कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को हाल ही में आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त बनाया गया है। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ में जस्टिस पी लक्ष्मी का फोटो भी देख सकते हैं, जिनको हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया लोकायुक्त बनाया गया है। इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, YS जगमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती वहाँ की कैपिटल हो जाएगी, जो कि आपको याद रखनी है। दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में यहाँ पर देखो इस वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, जिसमें कि 1 साल के करंट अफेयर्स का PDF है, आप उसको लेकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा,
गॉर्जियंस लिस्ट ऑफ टॉप 100 मूवीज में किस भारतीय मूवी को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। देखो गॉर्जियन की तरफ से दुनिया भर की टॉप 100 मूवीज को स्थान दिया जाता है, तो भारत की तरफ से मात्र एक इकलौती मूवी जिसको इसमें स्थान दिया गया है उसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर को यहाँ पर 100 में से 59th पोजीशन पर रखा गया है। तो एवरग्रीन फिल्मों की लिस्ट बनाता है गॉर्जियंस, जिसने कि दुनिया भर से मूवीज को इकट्ठा किया है, जिसमें भारत की गैंग्स ऑफ वासेपुर को स्थान दिया गया है, जिसके डायरेक्टर की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके डायरेक्टर का नाम क्या है, ये चीज कितने लोगों को पता है कमेंट करके बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस भारतीय ने दुनिया की सबसे कठिन माने जाने वाली रेस, जिसका नाम है एंड्रू रोमन ट्रायलथन, ठीक है, एंड्रू रोमन ट्रायलथन जो है इसको विश्व रिकॉर्ड टाइम से जीत लिया है। तो ये जो दुनिया की सबसे कठिन जो ये रेस मानी जाती है इसको जीता है मयंक वैद ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मयंक वैद ने एंड्रू रोमन ट्रायलथन जो है इसको जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप मयंक वैद का फोटो भी देख सकते हैं जिन्होंने इस इवेंट को जीत लिया है। आपको बता दूं ये जो रेस है ये कुल मिलाकर 463 यानी कि 463 किलोमीटर की ये रेस है, जिसको इन्होंने 50 घंटे 24 मिनट में पूरा करके एक विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। विश्व रिकॉर्ड इस वजह से बना दिया है क्योंकि इन्होंने पिछले साल के जो विनर है उससे 2 घंटे 6 मिनट पहले ही इस रेस को पूरा करके एक अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो एक बार फिर से इस रेस का नाम आप देख लेंगे, इस रेस का नाम है एंडू रोमन ट्रायलथन, जो कि विश्व की सबसे ज्यादा कठिन रेस मानी जाती है, जिसको जीता है मयंक वैद ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरु नानक देव की रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है? तो गुरु नानक की रचनाओं को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारत की किस राज्य ने सितंबर 2019 में रुद्र सागर झील में नीर महल जल उत्सव मनाया है? तो ये जो नीर महल जल उत्सव है जो कि रुद्र सागर झील में हाल ही में मनाया गया है, इसको त्रिपुरा राज्य में मनाया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीर महल महोत्सव जो कि त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया है। त्रिपुरा की कैपिटल इस समय क्या है? अगरतला। गवर्नर का नाम क्या है? रमेश बाइस। और चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? बिप्लब कुमार देव। ये वहां की सारी इंफॉर्मेशन हो गई। दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन, हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल 2019 की शुरुआत करी है? विश्व बैंक पूरे भारत में मिनी और मेगा फूड पार्क का निर्माण कितने करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ कर रहा है? वर्ल्ड ओजोन डे 2019 जो है वो किस दिन मनाया गया है? तो सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। अगर आपको वीडियो फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।